नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय आप सभी का स्वागत करता हूं अल्टीमेट डीजी क्लासेस में। दोस्तों, समय समय पर हमारे मैथ्स की जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी हमारे उपाध्याय सर हैं, वो आपको बताते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं। कुछ दिन पहले शोभित सर ने आपको रीजनिंग का भी एक टॉपिक ट्रायंगल काउंट करना सिखाया था। उससे पहले मैंने थोड़ा सा आपको क्लॉक के बारे में भी सिखाया था। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए, आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक बेहतरीन तोहफा कि कैलकुलेशन को, किसी भी गुणा को हम किस तरीके से चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकें। अगर आपको पहाड़े आते हो 10 तक, और अगर आपको 20 तक पहाड़े आप याद कर लेते हैं अगर थोड़ी सी मेहनत करते हुए, या सिर्फ 20 तक के पहाड़े याद कर लेते हैं, तो आपके जो भी ये कैलकुलेशन है, ये मात्र 3 सेकेंड, सिर्फ 3 सेकेंड में आप ये गुणा या भाग कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम जो सीखने वाले हैं, तो हम सीखेंगे बच्चों आज मल्टीप्लाई कि कैसे किसी भी संख्या को बहुत जल्दी और चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सके, उसका गुणा सीख सके। जैसे मानते हैं बच्चों कि हमारे पास एक सवाल है कि 92 गुणे में 94। तो बच्चों, 92 गुणे में 94 जो हमारा ये सवाल है, इस सवाल को अगर हमें गुणा करना हो, तो जो हमारा बेसिक मेथड है बच्चों कि 92 को 94 से गुणा कर दिया, 4 दुनी 8, 4 निमे 36, फिर 9 दुनी 18, 9 निमे 81 और 1 82। यहां पर हमने यहां काटा लगाकर यहां 8 लिख दिया, 8 और 6 14, 3 और 2 5 और 1 6 और 8648, ये हमारा आ गया उत्तर। तो ये तो बच्चों हम बेसिक मेथड है, इसमें तो मैं आपको क्या ही सिखाऊंगा, इसमें तो आप मुझे सिखा दोगे। लेकिन अभी जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, शायद वो आप लोगों की मदद कर सके। तो बच्चों, हम सबको पता है कि अगर किसी भी संख्या को 100 से गुणा करे, या 10 से गुणा करे, या 1000 से गुणा करे, तो गुणा करना हो जाता है आसान। तो इसी को हम इसी फॉर्मूले में आगे बढ़ाते हुए, जैसे 100 है, तो हम ये देखेंगे कि जिस भी संख्या को हम गुणा कर रहे हैं वो किसके आसपास है। वो 100 के आसपास है, 200 के आसपास है, 300 के आसपास है, 400 के आसपास है, 50 के आसपास है। तो बस हमें यही देखना है। तो हमने देखा कि ये दोनों संख्याएं 100 के आसपास है। अब ये संख्या जो 92 है, ये 92 100 से 8 कम है, ये 92 100 से 8 कम है, और ये 94 100 से 6 कम है, ये 94 100 से 6 कम है। अब बच्चों, 92 को 94 में गुणा करने में हमें दिक्कत आएगी, लेकिन क्या मैं 8 को 6 से गुणा कर सकता हूं? मैं बिल्कुल कर सकता हूं, 8 6 48। तो बच्चों, यहां पर हमें इसको दो साइड में बांटना है, एक LHS और एक RHS, एक LHS और एक RHS। तो भाई, हमने 8 को 6 से गुणा किया, क्या आ गया? 48। अब हमने क्या करना है बच्चों, इस 94 में से इस 8 को घटा दो, 94 में से 8 को घटा दो, क्या आ गया भाई? 86। और हमारा उत्तर क्या आ गया? देखिए कितना आसान है, ये कितना ही ज्यादा आसान है, उत्तर आ गया हमारा 46 48। और देखो, यही तो उत्तर था हमारा, 46 48, और यहां भी 46 48। अब कहोगे सर कि हो सकता है इसमें तुक्का लग गया, अगले क्वेश्चन में ना आए। तो बच्चों, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। देखिए, बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं, शायद आपने, आपको पहले पता भी होगा। अगर नहीं पता तो बच्चों बिल्कुल सीखना है, सभी को सिखाना भी है आप सभी को। जैसे सवाल हमारे पास है बच्चों, 92 गुणे में 88। अब 92 जो ये नंबर है, ये 100 से कितना कम है? तो भाई, ये 100 से तो 8 कम है। ये 88 100 से कितना कम है? भाई, 88 100 से 12 कम है। अब 12 को तो हम 8 से गुणा कर सकते हैं, 12 8 96, और 88 - 8 कितना आ गया? 80। उत्तर क्या आ गया हमारा? 80 96। देखो कितना आसान है, बेहद आसान, इसमें तो कुछ है नहीं हमारे लिए। 3 सेकंड में, मात्र 3 सेकंड में हम आंसर निकाल सकते हैं बच्चों, सिर्फ 3 सेकंड में। जैसे सवाल यहां पर है 97 गुणे में 91। तो बच्चों, 97 कितना कम है? 3 कम है। 91 कितना कम है? 9 कम है, 9 * 27 91 - 3 कितना? 88। देखो
क्या है, कुछ है क्या क्वेश्चन में? नहीं, आंसर क्या आ गया 88 27। देखो कितने आसानी से हमने उसको आंसर निकाल दिया। इसमें बच्चों आसान तो है लेकिन फिर भी हमें ध्यान तो चीजें रखनी पड़ती है। इसमें हमें एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है, जैसे हमारे पास सवाल आ गया 99 गुणे में 92, 99 गुणे में 92, तो ये कितना कम है भाई, ये तो एक कम है, और ये कितना कम है भाई, ये तो 8 कम है, ये एक कम है, ये 8 कम है, एक एक कम है और एक 8 कम है, तो 8 एकम 8 कितना आ गया यहां पर, 8 एकम 8, और 92 माइनस 1 कितना आ गया 91। अब बच्चों यहां पर हमें ध्यान रखना है कि यहां पर कम से कम या अधिक से अधिक, कम से कम या अधिक से अधिक दो संख्याएं होनी चाहिए, कम से कम या अधिक से अधिक दो संख्याएं को होनी चाहिए, यानी वी नीड एटलीस्ट और एटमोस्ट 2 डिजिट्स, एटलीस्ट और एटमोस्ट 2 डिजिट्स। तो देखो भाई यहां 2 तो है नहीं, इसको 2 करने के लिए हमने क्या कर दिया, 91 08, यही आपका उत्तर है 91 08, 8 एकम 8 सिंगल था, तो हमने क्या किया इस दोस्त को 2 करने के लिए भाई 0, क्यों, क्योंकि यहां पर हमारे पास कम से कम या अधिक से अधिक दो संख्याएं चाहिए। चलिए एक सवाल हम और देख लेते हैं बच्चों। तो जैसे देखिए सवाल हमारे पास है बच्चों 93 गुणे में 99 कितना कम है -7, कितना कम है -1, 7 एकम 7। अब यहां पे 2 होने चाहिए ना, 2 तो है नहीं, तो लिख दिया हमने 0, 99 माइनस 7 कितना आएगा 92, उत्तर क्या आ गया 92 07। तो कितना आसान है, 3 सेकंड में, सिर्फ 3 सेकंड में आपका उत्तर आ रहा है, जितनी जल्दी आप पहाड़े बढ़ सकते हो उतनी जल्दी आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए एक सवाल हम और देखते हैं बच्चों। तो देखिए जैसे हमारे पास सवाल है 92 गुणे में 85, 92 गुणे में 85, अब यहां कितना आ गया -8, यहां कितना आ गया -15, -8 और -15, तो ये कितना आएगा 15 अट्ठे 120। अब हमने तो कहा था कि भाई यहां पर तो हम 2 ही संख्या रख सकते हैं, कम से कम 2 या अधिक से अधिक 2, लेकिन सर यहां पर तो 3 संख्याएं आ गई हैं, क्या करेंगे अब? बिल्कुल बच्चों अभी बताऊंगा ना मैं, क्यों नहीं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। 85 माइनस 8, 85 में से 8 घटाओ कितना आ गया 78, 85 में से 8 घटा दिया क्या आ गया, सॉरी 77, मैंने सीधा आंसर लिख दिया था 77। अब ये 120 है, यहां पर हमें 2 संख्याएं चाहिए, यानी ये एक जो है फालतू है, तो इस एक को क्या करेंगे हम, इस एक को यहां पर जोड़ दो, कितना आ गया ये 78 20, यहां हो गया 78 और 20, तो हमारे पास है ही उत्तर, हमारा क्या आ गया 78 20। देखो कितना आसान है। एक सवाल हम और देख लेते हैं, जैसे हमारे पास सवाल है बच्चों 88 गुणे में 91, अब 88 कितना कम है -12, 91 कितना कम है -9, 12 निम्न कितना 108, बहुत अच्छे भाई 3 संख्याएं हो गई, तो क्या करेंगे जो एक्स्ट्रा वाला है इसको इधर जोड़ेंगे, 91 में से 12 घटाओ। वैसे बच्चों ध्यान रखना ये जरूरी नहीं है कि हम इसमें से इसको घटाएं, हम इसमें से इसको घटाएं या इसमें से इसको घटाएं, एक ही बात है, जहां पर भी घटाने में आपको आसानी हो, लेकिन क्रॉस में घटाना है ना, ऐसा नहीं कि इसमें से घटा दिया, ऐसा नहीं, क्रॉस में इसमें से इसको घटाओ या इसमें से इसको घटाओ, एक ही बात है। तो 88 में से हमने 9 घटा दिया कितना आ गया 79, अब 79 यहां पर है, इसमें एक जोड़ दो कितना हो गया 80 और 08 तुम्हारे पास था ही, उत्तर क्या आ गया 8008। देखो बेहद आसान, कोई दिक्कत ही नहीं है, कितनी आसानी से हमने सवाल को नोट कर लिया। अब आप कह सकते हो कि सर ये सारी संख्याएं तो 100 से नीचे हैं, ये सारी संख्याएं तो 100 से नीचे हैं, अगर संख्याएं 100 से ऊपर आ गई तो क्या करेंगे भाई? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आप लोगों का, ऐसा हो भी सकता है, दिमाग में आ भी सकता है कि सर अगर ज्यादा बड़ी संख्या आ गई तो क्या करेंगे, तो भाई 102 और एक तरफ मैंने लिख दिया 109, अब 102 और 109। अब ये बच्चों ये जो सवाल है ये 100 से 2 ज्यादा है, पहले क्या था 100 से 2 कम, तो हमने क्या लिख दिया +2 और यहां पर क्या है +9, तो हम क्या करते थे इन दोनों को करते थे बच्चों गुणा, 2 निम
18 दोनी में 18, 109 में दो जोड़ दो 111, उत्तर क्या आ गया हमारा 111 18। देखो कितना आसान है, पहले माइनस था तो माइनस कर दिया, अब प्लस है तो क्या कर दिया, प्लस कर दिया। पहले माइनस था तो माइनस कर दिया, अब क्या है, अब प्लस है तो प्लस कर दिया। देखो बच्चों हम एक और सवाल देख लेते हैं, बाकी सभी चीजें बच्चों वैसी की वैसी है, इसमें कोई अलग नहीं होगा। जैसे हमें यहाँ पर कम से कम दो या अधिक से अधिक दो रखनी है, सेम चीज रखना है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। बच्चों आगे देखते हैं हम, हमारे पास सवाल है 105 गुणे में 115, तो प्लस का 5 और प्लस का 15, 15 पीछे 75, 15 पीछे कितना होगा 75, 115 में 5 जोड़ दो कितना आ गया 120, उत्तर क्या आ गया हमारा 120 75। तो बच्चों ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमने यहां सीख लिया। अब मान लो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये तो 100 के आसपास है, अगर 200 आ गया तो, 300 आ गया तो, 400 आ गया तो, 50 आ गया तो क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करेंगे। बहुत ही आसान है ये भी बहुत ही आसान है, बस हमने ये सीख लिया ना, इसके अलावा हमें कुछ नहीं सीखना, अब तो सिर्फ कॉमन सेंस यूज करना है। देखो मैंने लिख दिया बच्चों 209 गुणे में 207, 209 गुणे में 207, ये क्या आ गया प्लस का 9, ये क्या आ गया प्लस का 7, प्लस का 9 प्लस का 7, ये 200 के आसपास की संख्या है, तो 200 से कितना ज्यादा है प्लस 9, ये कितना ज्यादा है प्लस 7, तो 9 को 7 से गुणा कर दो कितना आ गया, 9 को 7 से गुणा करेंगे 63, और 207 प्लस 9 कितना आ गया 216। लेकिन बच्चों ये जो संख्या है ये 200 के आसपास है, और हमने किससे सीखा है 100 के आसपास, तो ये 200 जो है 100 के कितना गुणा है, 200 100 के कितना गुणा होगा भाई, बिल्कुल आसान है ये तो, 200 है वो 100 के दो गुणा है। हमने पूछा कि सर 200 100 के कितने गुणा है, तो सीधी बात है दो गुणा, हम क्या करेंगे सिर्फ इधर वाले पार्ट को दो गुणा कर देंगे, ये आ गया 432 और 63, देखो बेहद आसान खत्म, इधर वाले पार्ट को छेड़ना ही नहीं है, सिर्फ इधर वाले को डबल कर देंगे। अगर मान लो बच्चों कि यहां पर 300 आ जाता है, अगर यहां पर 300 आ जाता है तो ये गुणे में 3 हो जाएगा, अगर ये मान लो 400 आ जाता है तो गुणे में 4 हो जाएगा, अगर ये 500 आ जाता है तो गुणे में 5 हो जाएगा। चलिए बहुत ही आसान है ये, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, और हम अगर मान लीजिए कि यहीं पर हमारा सवाल आ जाए बच्चों 52 गुणे में 54, 52 गुणे में इसको लिख लो 52 गुणे में 58, तो कितना ज्यादा है प्लस, कितना प्लस है ये 50 से, 50 में 2 जोड़ दो, और ये कितना ज्यादा है 50 में 8 जोड़ दो, 2 8 16, 58 माइनस 2 56, 56 का कर दो आधा, क्यों करेंगे आधा, क्योंकि 50 जो है वो 100 का आधा है, 50 क्या है 100 का आधा है, तो हमने इसका कर दिया आधा, इसका आधा कितना 28 28 16, देखो कितना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर जो हमने सीखा है ये आप उस स्टेज तक इसको यूज कर सकते हैं जहां तक आपको पहाड़े आते हैं, यानी कि 20 तक तो हमें पहाड़े आते ही हैं, और अगर नहीं आता और आप कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपको कम से कम 20 तक के पहाड़े को अच्छे से याद करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये जो हमने आज ट्रिक सीखा है इसे आप लोग बार 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 प्रैक्टिस करते रहिए, बार 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 सीखते रहिए। अल्टीमेट डीजी क्लासेस आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएगा, अभी तो मैंने आपको मल्टीप्लाई सिखाया है, अभी मैं आपको और भी सिखाऊंगा कि अगर 11 का मल्टीप्लाई आ जाए तो क्या होगा, या 22 का मल्टीप्लाई आ जाए तो क्या होगा। पता है बच्चों जो अभी मैंने आपको सिखाया ना, इस पे एसएससी और स्टेट लेवल के इतने अच्छे अच्छे सवाल आते हैं नंबर सिस्टम से। जैसे मान लो मेरे पास सवाल आ गया 109 सही 105 बटे में 104 गुणे में 104, और कहता है बताओ भाई इसका उत्तर क्या आएगा। बस देखो अगर देखा जाए तो कितना बड़ा सवाल है ये, लेकिन छोटे से ट्रिक के साथ जो अभी मैंने आपको सिखाया है कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो हमें पता है कि अगर 2 सही 3 बटे 5 है तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 प्लस 3 बटे 5, इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 109 प्लस 105 बटे में 104। अब इसको हमें किससे गुणा करना है बच्चों, इसको हमें गुणा करना है 104 से। अब इसको मैं अगर आगे करूं 109 गुणे में 104 प्लस 105 बटे में 104 गुणे में 104,
ठीक है 105। अब इससे तो ये कट जाएगा, बिल्कुल आसान है, और ये तो हमने सीख ही रखा है, प्लस 9 प्लस 4, 9 चौके 36, 104 प्लस 9 114, सॉरी 113। अब 113 36 प्लस 105 जोड़ दो, कितना आ गया 6 और 5 11, 3 और 1 4, 3 और 1 4 1, क्या उत्तर आ गया हमारा 11,441। अब इतना बड़ा सवाल जिसको देख के ही हमें डर लग रहा था, उसको हम चुटकी बजाते सॉल्व कर दिया, कैसे, अपने इसी मेथड के कारण जो भी अभी हमने सीखा है। तो ऐसे हम और भी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। अल्टीमेट इजी क्लासेस आपका हर समय साथ देगा आपको। अगर कोई भी और भी कोई टॉपिक पढ़ना हो, स्पेशल टॉपिक रीजनिंग का या मैथ्स का, तो आप आके हमसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर हमें ये टॉपिक पढ़ना है, तो हम अगली वीडियो उसी चीज की अपलोड कर देंगे। ठीक है, देखते रहिए अल्टीमेट इजी क्लासेस, सीखते रहिए अल्टीमेट इजी क्लासेस के साथ। तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि देखते रहिए सीखते रहिए अल्टीमेट डीजी क्लासेस के साथ। थैंक यू, शुक्रिया।